हम बिस्तरी, जीमा, सोहबत या जनाबत के बाद गुसल का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इस तरीके का वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा गौर से सुनिए, क्योंकि स्किप कर देंगे आप तो आपको ठीक से समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए, हम बात करेंगे गुसल का तरीका क्या है। सबसे पहली चीज़, बिस्मिल्लाह बाहर कहकर आप लोग उल्टे पैर से बाथरूम में दाखिल हो जाएं और इस्तिंजा कर लें, टॉयलेट कर लें, और वो बैतुल खला में हो, बाथरूम की जगह पे ना हो। उसके बाद जिस जगह में गिलाजत है उस जगह को साफ़ कर लें, यानी जिस वजह से, यानी शर्मगाह से जो गिलाजत जाहिर हुई है उसको अच्छे से साफ़ कर लें, साबुन से या अच्छे कोई भी चीज़ से। उसके बाद आप लोग वज़ू कर लें प्रॉपरली, जैसा वज़ू करना है, क्योंकि बिस्मिल्लाह तो आप लोग बाहर ही कहकर आ चुके अंदर, तो अंदर बिस्मिल्लाह नहीं कहना। इसके बाद आप लोगों को पूरे बॉडी पर पानी बहा लेना है और सर पर 3 मग पानी बहा लेना है, यानी शर्मगाह को अच्छे से धोने के बाद सर पे 3 मग पानी डाल देना है और पूरे बॉडी में पानी बहा लेना है। नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद सर में पूरे अच्छे तरीके से आप लोग शैम्पू वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर सवालात होते हैं कि शैम्पू वगैरह कर सकते हैं नहीं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, और बॉडी पर भी पूरे साबुन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी नहा सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर शर्मगाह में फिर हाथ लग गया तो फिर से वज़ू करना पड़ेगा आप लोगों को, तो बस इसका ख्याल रखें। इसके बाद फिर आप लोग, जैसा भी गुसल हो गया, उसके बाद आप लोग फिर कपड़े पहनकर बाहर आ सकते हैं, राइट आ जाएं, सीधे पैर से बाहर आ जाएं और बाहर आने की दुआ पढ़ ले, गुफराना का पढ़ ले, ठीक है। और बाथरूम में दाखिल होने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिनल खुबसी वल खबाइस, ये भी दुआ पढ़ ले।